इधर पोटका से जेएमएम के प्रत्याशी संजीव सरदार ने अपना नामांकन दाखिल किया है। इससे पहले संजीव सरदार ने रोड शो किया। रोड शो में सैकड़ों की संख्या में उनके समर्थक और जेएमएम के कार्यकर्ता मौजूद थे। जायजा लिया हमारे संवाददाता प्रभात ने। पोटका विधानसभा के विधायक संजीव सरदार ने आज नॉमिनेशन अपना दाखिल किया भारी संख्या में। देखिए किस तरीके से भारी संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ में यहाँ पहुंचे हैं और इन्होंने आज अपना नॉमिनेशन फाइल किया है, आज आपने पर्चा दाखिल किया है, किस तरीके से जनता के बीच में जाएगा? पिछले 5 साल में आपने तो बहुत काम किया। वास्तविक 5 साल के दिन अगर देखा जाए, इस पाँच साल के दौरान हमने पहला पोटका विधानसभा के हर जनता को मेरा परिवार के सदस्य माना, और उस सदस्य के तहत हमने पूरे परिवार के, पूरे विधानसभा के हर जनताओं को, हर नागरिक को ध्यान देने का काम किए और हर जनताओं का हर सुख में ना सही लेकिन दुख में हम खड़ा होकर उनको आगे बढ़ाने का काम किए। और मैं उन जनताओं को, मेरा जो परिवार के सदस्य हैं, उनसे हम पहले हम उठते थे और उनको बाद में उठाते थे और उनको सुलाते थे उसके बाद हम सोते थे और इस 5 साल सेवा दिए हैं इस जनता को पोटका विधानसभा। फिर से विधायक आपको चुनती है पोटका की जनता, तो कौन सा काम ऐसा रहेगा जो आने वाले दिनों में करें? पहला प्राथमिकता हमारा रहेगा शिक्षा क्षेत्र में। आज बहुत सा ऐसा है, कोई एक सरकार के कोई एक संसाधन है तो भी हमारे ग्रामीण क्षेत्र में लोग जागरूक नहीं है। उनको शिक्षा क्या चीज़ है, महत्व क्या चीज़ है, आज वर्तमान समय में 5G आ गया है तो हमारे लोग जागरूक नहीं। इनको जागरूक करना है कि बेहतर शिक्षा कैसे प्राप्त हो। इतने सारे योजना लेने के बाद भी आज शिक्षा को पहला प्राथमिकता देना है तभी जाके हमारे सरकार के जो भी नियम नीति योजना हो, चाहे देश की कानून हो, समझ पाएंगे, लाभ ले पाएंगे और आगे बढ़ेंगे उन समाज। तो पहला प्राथमिकता शिक्षा का, दूसरा है स्वास्थ्य के जागरूक कराने का भी काम करेंगे। बिल्कुल, देखिए विधायक जी ने जैसा कहा कि पहली प्राथमिकता हमारी शिक्षा है, दूसरी स्वास्थ्य। उनकी धर्मपत्नी भी, हम उनसे भी जान लेते हैं, काफ़ी हुजूम आया था, कार्यकर्ताओं ने काफ़ी सहयोग कर रहा था, किस तरीके से जनता के बीच में, जनता के बीच में फिर से जाएंगे आप? बहुत खुशी हो रही है, हमेशा जो 5 साल काम किए हैं आगे भी और करेंगे बस। महिलाओं का कितना सपोर्ट मिल रहा है? बहुत सपोर्ट है, आगे भी सपोर्ट है और साथ में रहेगा भी। तो ये थे विधायक संजीव सरदार जो पोटका से प्रत्याशी हैं। धर्मपत्नी जिस तरीके से उन्होंने कहा कि हमारा साथ पिछले 5 साल से जनता का साथ रहा है और महिलाओं का खासकर सबसे ज़्यादा सपोर्ट रहा है, तब तो ये समय बताएगा कि पोटका की जनता किसे अपना विधायक चुनती है। सईद अनवर के साथ प्रभात, न्यूज़ भारत, जमशेदपुर। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।